दो सालों के कोरोना ब्रेक के बाद 14 जुलाई से शुरू हुए श्रावणी मेले में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे सर्वोच्च सावन का महीना 12 अगस्त तक रहने वाला है, जिसको लेकर सुल्तानगंज और देवघर को जाने वाली सभी ट्रेनों में टिकट को लेकर काफी मारामारी चल रही है। लोग ट्रेनों में ठूस ठूस कर जाने को मजबूर है, लेकिन दो सालों के बाद मिले बाबा भोलेनाथ के दर्शन के इस मौके को भला कौन भक्त छोड़ना चाहेगा। लेकिन वही ट्रेनों में सीटों को लेकर चल रही मारामारी के बीच टिकट ना मिलने से उदासी भी छाई हुई है। तो आपकी ये उदासी हम अभी दूर कर देते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से चलने और गुजरने वाली कई ट्रेनों में सुल्तानगंज और देवघर के लिए सीटें खाली हैं। श्रद्धालु रक्सौल भागलपुर स्पेशल, जनसेवा एक्सप्रेस, फेस्टिव स्पेशल समेत अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट बुक कर सकते हैं। तो वहीं गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस और गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में टिकट उपलब्ध है। रक्सौल भागलपुर स्पेशल 05551 स्पेशल ट्रेन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलती है। रक्सौल से सुबह 5:15 में रवाना होती है और फिर सीतामढ़ी रून्नी सैदपुर होते हुए मुजफ्फरपुर 8:50 पर पहुंचती है और फिर समस्तीपुर बरौनी क्यूल सुल्तानगंज होते हुए शाम के 3 भागलपुर पहुंचती है। सुल्तानगंज में यह ट्रेन दोपहर को 2:20 पर पहुंचकर 2:25 पर खुलती है। इस ट्रेन में केवल शयनयान श्रेणी है। शनिवार को इसमें 502 बर्थ, रविवार को 599 बर्थ, सोमवार को 643 बर्थ और बुधवार को 656 बर्थ उपलब्ध है। जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन हर दिन मुजफ्फरपुर से भागलपुर के लिए रात 11:07 पर खुलती है और सुबह के 5:09 पर सुल्तानगंज पहुंचती है। इस ट्रेन में शयनयान और थर्ड एसी श्रेणी में सोमवार 25 जुलाई से बर्थ उपलब्ध है। फेस्टिव स्पेशल गांधीधाम गुजरात से चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन हरेक रविवार को दोपहर के 1:45 पर मुजफ्फरपुर पहुंचती है और शाम के 7:15 पर सुल्तानगंज पहुंचती है। इस ट्रेन में स्लीपर और थर्ड एसी में 31 जुलाई से टिकट उपलब्ध है। वहीं सेकंड एसी में 24 जुलाई को 2 टिकट उपलब्ध है। जो श्रद्धालु सीधे देवघर जाना चाहते हैं वे जसीडी के लिए मुजफ्फरपुर से टिकट ले सकते हैं। गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस जो हर गुरुवार को चलती है उसमें थर्ड एसी में 28 जुलाई और 4 अगस्त को टिकट उपलब्ध है। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।